सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री बालाजी प्रॉपर्टी में। गाइस, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कोई लोकेशन सर्च कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यमुना प्राधिकरण आपके लिए एक बेस्ट लोकेशन हो सकती है। अब यहाँ पे यमुना प्राधिकरण में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप पहले 15 दिन मार्केट एनालाइज करें, मार्केट रिसर्च करें, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। अब यहाँ पे कुछ लोगों को लगता है कि मार्केट में अभी और गिरावट देखने को मिलेगी। गाइस, नहीं, ऐसा नहीं है, मार्केट अभी स्टेबल है। अभी अगर मार्केट स्टेबल है तो आप मार्केट को एनालाइज करें, मार्केट को समझें, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। आपको यहाँ पे जल्दी इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, तो ये समय आपके लिए सही है इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, पहले आप यमुना प्राधिकरण को समझें। यमुना प्राधिकरण अगर इतना स्कीम ला रही है तो उनको पता है कि यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं लोग इन्वेस्टमेंट में, तभी यहाँ पे इतनी स्कीम आ रही हैं। तो आप पहले मार्केट को समझें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। अगर देखिए, आप अगर कंपेयर करते हैं दिल्ली, गुड़गांव या ग्रेटर नोएडा से ही, कि वहाँ पे इतना डेवलपमेंट है, इतने ही प्राइस में वहाँ पे प्रॉपर्टी मिल रही है, तो हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें। अब देखिए, जिन लोगों ने यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट करा है तो उनका भी माइंडसेट क्या है कि आने वाले 5 साल में यहाँ पे अच्छा इंक्रीजमेंट देखने को मिल जाएगा। आपका सन 2025 आने वाले टाइम में आपको एयरपोर्ट की सुविधा यहाँ से मिल जाएगी, तब आपका प्राइस देखना कितना इंक्रीज हो जाएगा, आपकी अपनी प्रॉपर्टी का प्राइस कितना हाई चला जाएगा, आप उस टाइम पे देख सकते हैं। तो अभी अगर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो आप अगर लोकेशन सर्च कर रहे हैं कि हमें किस लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आप यमुना प्राधिकरण को ऑप्शन में रख सकते हैं। ये आपके लिए एक बेस्ट लोकेशन होने वाली है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हम बात करें यहाँ पे क्या फैसिलिटी देखने को मिलती है, जिससे कि हमें आने वाले टाइम में यहाँ पे बेनिफिट मिले, हमें अच्छा इंक्रीजमेंट देखने को मिले। मैं बात करूँ फैसिलिटी की, देखिए, आपका नियर बाय जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पड़ जाता है। यहाँ से आपकी 10 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद आपकी फिल्म सिटी पड़ जाती है, जो है आपकी सेक्टर 21 में, आपका ये सेक्टर 18, सेक्टर 20 और फिर आपका फिल्म सिटी पड़ जाती है, जिसका डिस्टेंस 3 से 4 किलोमीटर है। अब आपका इंडस्ट्रियल एरिया नियर बाय पड़ जाता है, जिसमें आज के टाइम में बड़ी बड़ी 3 से 4 कंपनियां रनिंग में आ चुकी हैं, सूर्या, बिकानो, एवरी डिमेंशन जैसी। तो ये फैसिलिटी आपको नियर बाय देखने को मिल जाती है। बात करें एजुकेशन को लेकर, गाइज, एजुकेशन में आपका गलगोटिया यूनिवर्सिटी नियर बाय पड़ जाती है, जिसका डिस्टेंस 7 किलोमीटर है। फिर आपका नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पड़ जाती है, फिर आपका गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी पड़ जाती है। इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी आपको नियर बाय देखने को मिल जाएंगी। आपके नियर बाय बड़ी बड़ी सोसाइटी देखने को मिल जाएंगी, प्राइवेट बिल्डर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपका गौरीमना सिटी हो गया है, आपका सुपरटेक नियर बाय है, आपका एस ग्रुप आपका नियर बाय आ रहा है, प्लस आपका ATS और OCS जैसी बड़े बड़े बिल्डर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये लोकेशन इन सभी प्रोजेक्टों के बीच में पड़ती है यमुना प्राधिकरण की। देखिए, बात करें यहाँ पे कनेक्टिविटी की, आपको कनेक्टिविटी, बेटर कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। यमुना एक्सप्रेसवे, जिसको आप ताज एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं, उससे लगे हुए ये आपके यमुना प्राधिकरण के प्लॉट हैं। कनेक्टिविटी भी आने वाले टाइम में भी बेटर है, अभी भी आपके लिए यमुना प्राधिकरण की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। अब हम बात करें फ्यूचर में क्या कनेक्टिविटी रहेंगी यहाँ पे। देखिए, आपका 2025 में एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे मेट्रो, बुलेट ट्रेन, फूड टैक्सी, रोपवे जैसी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्या डेवलपमेंट हो चुका है यमुना प्राधिकरण में, ताकि लोग आइडिया लगा सकते हैं डेवलपमेंट से कि क्या हमें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, यमुना प्राधिकरण की तरफ से ऑलमोस्ट डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है, पर अभी यहाँ पे कुछ पॉकेट्स और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उनमें आपको जल्दी काम देखने को मिल जाएगा, जल्दी काम वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे डेवलपमेंट में सभी रोड तारकोल कर दी गई हैं, आपके नालियाँ, सीवर, हार्नेस टैंक, आपके स्ट्रीट लाइट पोल्स और आपके प्लॉट की डिमार्केशन तक कम्प्लीट हो चुकी है, आपके यहाँ पे पार्क डेवलप हो चुके हैं। अब हम बात करें यहाँ पे कि क्या प्राइस चल रहे हैं आज की डेट में, करंट प्राइस की बात करें यहाँ पे, 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट आपका हो जाता है, 2 करोड़ से स्टार्ट हो जाता है, 2.5 करोड़ तक जाता है, जैसी आपकी लोकेशन रहती है, लोकेशन पे डिपेंड करता है, आपका प्राइस इंक्रीज होता रहता है लोकेशन के ऊपर। अब हम बात करें यहाँ पे साइजेस क्या देखने को मिलते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे 60 स्क्वायर मीटर, 90 स्क्वायर मीटर, आपका 120 स्क्वायर मीटर है, 162 स्क्वायर मीटर है, 200 स्क्वायर मीटर, आपका 300 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर,
1000 स्क्वायर मीटर, 2000 स्क्वायर मीटर और 4000 स्क्वायर मीटर तक के रेजिडेंशियल प्लॉट यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। अब हम बात करें कि क्या हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में हमें क्या इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। गाइस देखिए, मैं बात करूँ सन 2020 में जिन लोगों ने यहाँ पे 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट लिया था, उन्होंने यहाँ पे प्लॉट लिया था 30 से 35 लाख का। आज की डेट में उनका प्राइस हो चुका है 300 स्क्वायर मीटर का 2 करोड़। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि सन 2020 से सन 2024 तक आपका इतना प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो एयरपोर्ट स्टार्ट होने के बाद आपका 1, 2 या 5 साल में कितनी मार्केट इंक्रीज होगी, आप उसका आइडिया लगा सकते हैं। गाइज मैं बात करूं, देखिए मार्केट बहुत बड़ी है यमुना प्राधिकरण, और जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि मार्केट अभी और नीचे जाएगी, तो मैं आपको बता दूं मार्केट अब स्टेबल हो चुकी है। मार्केट स्टेबल होने के बाद क्या होता है, मार्केट में हलचल आती है और मार्केट फिर से अब जाने लगती है। अब पिछले कुछ 6 महीने में मार्केट में 50 लाख तक का बूम भी देखने को मिला था। अब उसमें से अगर 30-35 लाख रुपये मार्केट नीचे आ गई है तो मार्केट को क्रैश होना नहीं बोलते हैं कि मार्केट क्रैश हो गई है, मार्केट में अब और नीचे मार्केट जाएगी तब हम इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। गाइज ऐसा नहीं है, आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मार्केट स्टेबल है, अब यहाँ से आपको मार्केट चढ़ती हुई दिखेगी। तो आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं और लोकेशन को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं तो आप यमुना प्राधिकरण को अपने ऑप्शन में रख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए डेवलपमेंट अभी इतना नहीं हुआ है, अगर आप कंपेयर करते हैं दिल्ली, गुड़गांव या आप ग्रेटर नोएडा से, उतना डेवलपमेंट अभी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर आने वाले 5 साल में यहाँ पे इतना डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा आपको कि आपको वहाँ से एक रिग्रेट फील होगा कि हमें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए था उस टाइम पे। देखिए जिन लोगों ने सन 2020 में प्लानिंग करी थी इन्वेस्टमेंट करने की यमुना प्राधिकरण में और वो किसी कारणवश नहीं कर पाए थे, अब उनको एक रिग्रेट फील होता है कि हमें उस टाइम पे अगर इन्वेस्टमेंट कर लेते तो आप हमें भी इतना इंक्रीजमेंट देखने को मिल जाता अपने प्लॉट में। जी हाँ, तो एक कन्फ्यूज़न से आप निकले, यमुना प्राधिकरण पे रिसर्च करें, एनालाइज करें मार्केट को, फिर आप इन्वेस्टमेंट करें यमुना प्राधिकरण में। देखिए ये कोई नहीं बोलता, या मैं कभी अपनी वीडियो में ये नहीं बोलता कि आप यमुना प्राधिकरण में ही इन्वेस्टमेंट करें। आप यमुना प्राधिकरण को ऑप्शन में रखें अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो। मार्केट एक बार रिसर्च करें, आप अगर जीरो ग्राउंड रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप एक बार वीकेंड में टाइम निकालें और आके साइट विजिट करें। अगर आपको साइट विजिट करनी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको एनी टाइम यहाँ पे मिल जाएंगे अवेलेबल। तो गाइज मैं आपके लिए रियल इस्टेट से और यमुना प्राधिकरण से रिलेटेड ऐसी हेल्पफुल वीडियो लाता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना ताकि आपके पास तक हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच पाए। जिन लोगों ने स्कीम में फॉर्म भरा था उनको अगर ड्रॉ की लाइव देखनी है तो आप हमारे चैनल पे देख पाएंगे, हम आपको लाइव आपका ड्रॉ दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना ताकि जो लोग कंफ्यूज रहते हैं इन्वेस्टमेंट को लेके और वो लोकेशन सर्च कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। मैं गाइज आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियो में आगे मिलूंगा, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।